नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौर में। मैं हूं पंडित अरविंद गौर। आज हम चर्चा करेंगे नक्षत्रों के बारे में और ये देखेंगे कि कौन कौन से नक्षत्र मूलों में आते हैं और कौन से नहीं, नक्षत्र क्या हैं और जो नक्षत्र मूलों में आते हैं उसका हमें क्या उपाय या उसकी क्या विधियां हैं, उसके संबंध में आज चर्चा होगी। अगर संपूर्ण आकाश को हम 360 डिग्री का एक वृत्त समझें और हम 360 डिग्री को 12 से भाग कर दें तो 30-30 डिग्री की 12 राशियां बन जाती हैं। अगर संपूर्ण आकाश को 27 से भाग कर दें तो 13 डिग्री और 20 मिनट के 27 नक्षत्र बन जाते हैं, जिनका कुल मान 13 डिग्री 20 मिनट होता है। इन नक्षत्रों को अगर 4 बराबर हिस्सों में बांट दें तो प्रत्येक हिस्से को जो नक्षत्र के 4 हिस्से होंगे या 4 चरण बोलेंगे या 4 क्वाड्रेंट बन जाएंगे और वो होंगे 3 डिग्री 20 मिनट के, तो कुल चरण हो जाएंगे 27 × 4 = 108। इस तरह इस ब्रह्मांड में 12 राशियां 30-30 डिग्री की, 27 नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट के और कुल 108 चरण होते हैं। कुल 27 नक्षत्रों के नाम इस तरह हैं जो क्रम से लिखे हैं। नंबर 1 अश्विनी, नंबर 2 भरणी, 3 कृतिका, 4 रोहिणी, 5 मृगशिरा, 6 आर्द्रा, 7 पुनर्वसु, 8 पुष्य, 9 आश्लेषा, 10 मघा, 11 पूर्वा फाल्गुनी, 12 उत्तरा फाल्गुनी, 13 हस्त, 14 चित्रा, 15 स्वाति, 18 नंबर का नक्षत्र है विशाखा, 17 अनुराधा, 18 ज्येष्ठा, 19 मूल, 20 पूर्वाषाढ़ा, 21 उत्तराषाढ़ा, 22 नंबर का नक्षत्र है श्रवण, 23 का धनिष्ठा, 24 का शतभिषा, 25 का पूर्वा भाद्रपद, 26 का उत्तरा भाद्रपद और 27 का रेवती। कुल ये 27 नक्षत्र हैं जो बनते हैं। इसमें अश्विनी, मघा और मूल ऊपर के सबसे ऊपर की लाइन वाला है और सबसे नीचे की लाइन आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती ये मूलों में आते हैं। कुल मूलों में जो 6 नक्षत्र हैं वो हैं अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, रेवती। ये नक्षत्र और 4-4 हिस्सों में इनके क्वाड्रेंट्स होते हैं जो अभी हमने बात करी। अगर हम ये देखें कि ये नक्षत्र बच्चों के स्वास्थ्य पर कैसे असर करते हैं तो हर एक क्वाड्रेंट के हिसाब से इसके डिटेल मैं आपको दे रहा हूँ। अश्विनी के पहले चरण में अगर बालक का जन्म हुआ है तो ऐसा बालक पिता को कष्टकारी होता है। दूसरे चरण में जन्म हुआ है तो उसे सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तीसरे चरण में तो मंत्री पद प्राप्त होने जैसा सम्मान मिलता है और चौथे चरण में राज्य से सम्मान प्राप्त होता है। आश्लेषा नक्षत्र में अगर पहले चरण में पैदा हुआ है तो शांति से शुभ, मूलों की शांति करवाएंगे तो शुभ होगा। दूसरा धन की हानि, तीसरा माता की हानि, चौथा पिता की हानि। मघा नक्षत्र के पहले चरण में जन्म हुआ है तो माता को कष्ट, दूसरे में जन्म हुआ है तो पिता को कष्ट, तीसरे में जन्म हुआ है तो सुख, चौथे में धन विद्या की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म हुआ है तो पहले चरण में भाई को कष्ट, दूसरे में छोटे भाई को कष्ट, तीसरे में माता की हानि, चौथे में स्वयं की हानि। मूल नक्षत्र में अगर पहले चरण में जन्म हुआ है तो पिता को हानि, दूसरे में माता को हानि, तीसरे में धन का नाश, चौथे में शांति से शुभ। और रेवती नक्षत्र में हुआ है तो पहले में राज्य सम्मान की प्राप्ति,
दूसरे चरण में मंत्री पद प्राप्त होने जैसा सुख, तीसरे में धन और सुख की प्राप्ति, चौथे में व्याधियां या बीमारियां प्राप्त होती हैं। अब अगर बच्चों को इस नक्षत्र में जन्म है तो क्या करें जिससे इस नक्षत्र का प्रभाव घटे? एक तो पूजा पाठ की पद्धति है जिसे मूल उतारना कहते हैं, वो तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन और क्या कर सकते हैं? तो पहला, अगर बच्चे की राशि मेष और नक्षत्र अश्विनी है तो बच्चे को हनुमान जी की उपासना करवाएं। अगर राशि सिंह है, नक्षत्र मघा होगा, तो बच्चे को सूर्य को जल अर्पित करवाएं, इससे उसको आराम होगा। अगर बच्चे की राशि धनु है तो उसके नक्षत्र मूल का है तो गुरु और गायत्री की उपासना करवानी चाहिए। अगर बच्चे की राशि कर्क है, नक्षत्र आश्लेषा है, तो भगवान शिव की उपासना अच्छी है। अगर राशि वृश्चिक है तो ज्येष्ठा नक्षत्र से मूल होगा, हनुमान जी की उपासना करवाएं। और अगर राशि मीन है तो रेवती नक्षत्र होगा, तो गणेश जी की उपासना करवाना शुभ होगा। इस तरह इस वीडियो में हमने जाना कि मूल क्या हैं, नक्षत्र कुल कितने हैं, मूल कितने हैं, मूल का प्रभाव हम पर क्या होता है और उससे बचने के लिए हम क्या उपाय करें। तो मुझे उम्मीद है आप अपनी कुंडली देखेंगे तो अपनी कुंडली में अपना नक्षत्र भी देख सकेंगे और ये भी देख सकेंगे कि आप मूलों में हैं या नहीं। नमस्कार।